हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस आर जी स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 की गृह शिल्प पाठ 8 है कढ़ाई कला। आपने बाज़ार में रेडीमेड सिले सिलाए वस्त्र में कढ़ाई देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि कढ़ाई कैसे करते हैं? सुई तथा रंगीन धागों से वस्त्रों पर नमूना बनाने को ही कढ़ाई कहते हैं। कढ़ाई कला बहुत उपयोगी कला है। कढ़ाई के द्वारा हम विभिन्न वस्त्रों में सजावट करके उसकी सुंदरता, शोभा और आकर्षण बढ़ाते हैं। बाज़ार में कढ़े हुए वस्त्र महंगे मिलते हैं। हम घर पर कम पैसों में कढ़ाई करके अपने वस्त्र की सजावट कर सकते हैं। कढ़ाई के प्रकार। मशीन द्वारा कढ़ाई। विभिन्न प्रकार की कढ़ाई मशीन द्वारा की जाती है। इसके लिए बाज़ार से मशीन खरीदना पड़ता है। हाथ द्वारा कढ़ाई। यह विधि सस्ती, सरल और सुलभ है। इसमें हम सुई, रंगीन धागा, फ्रेम आदि की सहायता से मनचाहे वस्त्र जैसे मेजपोश, तकिया का गिलाफ, रुमाल आदि पर कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई में प्रयुक्त उपकरण। कढ़ाई में प्रयुक्त उपकरण। वस्त्र कढ़ाई के लिए पक्के रंग का वस्त्र लेना चाहिए। नमूना या डिज़ाइन। नमूना भी वस्त्र के अनुसार छोटा या बड़ा होना चाहिए। रुमाल के लिए छोटा नमूना और मेजपोश के लिए कुछ बड़ा नमूना हो। ट्रेसिंग पेपर। यह पतला कागज होता है। चित्र पर रखने से चित्र दिखाई देता है, इसलिए इसे नमूने के ऊपर रखकर नमूना उतारते हैं। कार्बन पेपर। इससे भी कपड़े पर नमूना छापते हैं। कार्बन पेपर कई रंग के होते हैं, लाल, नीले, काले, सफ़ेद आदि। गहरे नीले काले वस्त्र पर लाल या सफ़ेद कार्बन पेपर से छापते हैं। हल्के रंग के वस्त्र पर काले नीले कार्बन पेपर से छापते हैं। पेंसिल। यह नमूना उतारने और छापने में काम आती है। सुई कई प्रकार की होती है। पतली, मोटी, मैटी एवं मशीन की सुई। साधारण वस्त्र पर कढ़ाई करने के लिए पतली सुई का प्रयोग करते हैं। मैटी के लिए मैटी की सुई प्रयोग करते हैं। धागा। विभिन्न प्रकार के रंगीन धागे कढ़ाई करने के काम आते हैं। फ्रेम। यह लकड़ी या प्लास्टिक का गोलाकार होता है, जिसे फ्रेम कहते हैं। इसमें लगाकर कपड़े को तान देते हैं, जिससे कढ़ाई करने में सुविधा होती है। छोटी कैंची धागा काटने के काम आती है। कढ़ाई किट। इसमें कढ़ाई का सभी सामान एकत्रित रखते हैं, ताकि आसान सामान सुरक्षित और साफ रहे। आपके घर में कढ़ाई करने के लिए कौन कौन सी सामग्री है, अपनी माँ से पूछकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वस्त्र पर नमूना उतारने या छापने की विधि। कार्बन पेपर द्वारा, लकड़ी के ठप्पों द्वारा, मशीन, कपड़ों को नमूने के ऊपर रखकर पेंसिल से नमूना छाप लेते हैं। कढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नमूना वस्त्र के अनुकूल हो। छोटे वस्त्र पर छोटे नमूने तथा बड़े वस्त्र पर कुछ बड़े नमूने बनाते हैं। धागे के रंगों का उचित चुनाव करना चाहिए। फूल के लिए लाल, गुलाबी, नीला, नारंगी, बैंगनी रंग के विभिन्न हल्के गहरे रंग का प्रयोग करें तथा पत्ती के लिए हरे रंग का प्रयोग होता है। धागे का रंग पक्का और चमकदार होना चाहिए। गांठ नहीं दिखना चाहिए। धागे की गांठ को कढ़ाई में छिपा देते हैं। टाँके मजबूत हो, ताकि कढ़ाई खुल न सके। हाथ धोकर साफ हाथों से कढ़ाई करें। सुई में धागा छोटे
छोटा डालना चाहिए। बड़ा धागा डालने से कढ़ाई करते समय वह उलझ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कढ़ाई का ज्ञान हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका फैशन कभी पुराना नहीं होता, इसका आकर्षण भी कभी कम नहीं होता। कढ़ाई कला के लाभ। घर के विभिन्न कमरों में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों की सजावट कढ़ाई के द्वारा करते हैं, जैसे बैठक, ड्राइंग रूम की दीवार की चादर, मेज, पोश, सोफा कवर, कुशन कवर, मसनद कवर आदि पर सुंदर सी कढ़ाई करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। खाने के मेज, डाइनिंग टेबल को सुंदर और सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर बिछाने के लिए मेज पोश और टेबल मैट्स पर कढ़ाई करते हैं। खुली अलमारी के पर्दे, शीशा कवर, ड्रेसिंग टेबल, सिंगार मेज कवर पर कढ़ाई करने से वस्त्र, कमरा और घर सब की शोभा बढ़ जाती है। पहनने वाले वस्त्र, सलवार सूट, साड़ी, ब्लाउज तथा बच्चों के वस्त्र, फ्रॉक, झबला, स्कार्फ, बिब आदि पर कढ़ाई करने से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। खाली समय का उपयोग कर सकते हैं एवं धन कमा सकते हैं। मनचाहे वस्त्र पर मनचाही डिज़ाइन गाड़ सकते हैं। वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई उत्तम साधन है। कढ़ाई करने के लिए अपने टाको या स्टिच का प्रयोग करते हैं, जैसे कच्चा टाका का था स्टिच, टेम स्टिच, उल्टी बखिया, चेन स्टिच, बटन होल स्टिच, लेजी डेजी, कश्मीरी स्टिच, साटन स्टिच, क्रॉस स्टिच आदि। सभी अभी हम लोग चेन स्टिच, स्टेम स्टिच, लेजी डेजी और बटन होल स्टिच से कढ़ाई करना सीखेंगे। चेन स्टिच। इसे जंजीरा कढ़ाई भी कहते हैं। इससे फूल पत्ती का बारीक किनारा, आउटलाइन और फूल पत्ती को भरकर भी बनाते हैं। इसमें एक ही बिंदु पर दोबारा सुई घुसाकर आगे की ओर सुई को धागे के ऊपर से निकालते हैं। यही क्रिया दोहराने से चेन स्टिच बन जाएगी। यह ध्यान रखें कि टाँके एक बराबर ही हों। स्टेम स्टिच। इससे उल्टी बखिया भी कहते हैं। सीधी तरह हाथ से बखिया करके उल्टी तरफ देखो जो कढ़ाई की लाइन दिखाई देगी उसे ही उल्टी बखिया अथवा स्टीम स्टिच कहते हैं। इसे बनाने के लिए नीचे की ओर से सुई घुसाकर ऊपर आगे की ओर निकालते हैं। यही क्रिया दोहराते हैं। लेजी डेजी कढ़ाई। इस कढ़ाई से हम छोटे बड़े फूल और पत्ती बना सकते हैं। इसका टाका भी चेन स्टिच की तरह लेते हैं। यह कढ़ाई चादर, मेज पोश, तकिया का गिलाफ, रुमाल आदि किसी भी वस्त्र पर कर सकते हैं। बटन होल स्टिच।
इसका टाँका काज स्टिच की तरह से लेते हैं। एक ही बिंदु पर बार बार सुई घुसाकर सुई के आधे आगे धागा करके गोलाई से बनाते हैं। इससे छोटे छोटे फूल और फूलों का गुच्छा बना सकते हैं। इस स्टिच से बच्चों के वस्त्र पर सुंदर कढ़ाई की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम इसके बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु, उत्तरीय प्रश्न, लघु और दीर्घ प्रश्न करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।